हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम मेंटो। दोस्तों, मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ आरके राजपूत का तीसरा टॉपिक जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटेंस। इससे पहले मैं दो लेक्चर बना चुका हूँ, जो दो टॉपिक मैंने कंप्लीट किया था। उसका पहला टॉपिक का नाम था करंट इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा का था नेटवर्क थ्योरम्स। तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं, प्ले स्टोर में अवेलेबल है। तो यहाँ पर जो है तीसरा टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटेंस। तो इससे जो आरके राजपूत के जितने भी क्वेश्चन हैं, उस सारे क्वेश्चन का डिस्कशन मैं वन बाय वन करके कर रहा हूँ अभी। तो यहाँ पे इस सीरीज में इसका पहला क्वेश्चन है आज, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेज 120 न्यूटन। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज इज डबल द फोर्स विल बी। तो क्या है, फोर्स दे दिया है, ठीक है, और डिस्टेंस जो आप बोल रहा है कि डिस्टेंस को क्या किए, डबल कर दिए, तो फोर्स क्या होगा, फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो कूलम्स लॉ से हम लोग को पता है फोर्स क्या होता है, एफ इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाई डी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए चार्ज तो सेम ही होगा, ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमको डिस्टेंस दिया, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d², ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मतलब जब जो है डिस्टेंस डी पे था तो 120 न्यूटन का फोर्स दे रहा था, अब डिस्टेंस को हम डबल कर दिए तो कितना न्यूटन का फोर्स देगा। तो इसको हम लिख सकते हैं F1 D1 square इक्वल टू F2 D2 square। तो देखिए F1 फोर्स कितना है, 120 न्यूटन, तो F1 की जगह 120, D डिस्टेंस है, ठीक है, पहले D था तो इसको D1 को D square मान लेते हैं। फिर उसके बाद F2 हमको निकालना है, उसके बाद D2 square, तो D2 क्या बोल रहा है, डिस्टेंस को डबल कर दिए, तो D को डबल कर दिए D2 को, तो 2D का स्क्वायर कितना हो गया, 4D square, तो ये D square कैंसिल हो गया, F2 फोर्स 2 कितना हो जाएगा, 120/4, तो कितना हो जाएगा, 30 न्यूटन। तो क्या होगा आंसर इसका, 30 न्यूटन आंसर होगा। तो इसका जो पहला आंसर होगा कितना होगा, 30 न्यूटन। दूसरा क्वेश्चन है, द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, 9.1 × 10⁻³⁻³ होता है। तो कितना होगा इसका, 9.11 × 10⁻³⁻³, ठीक है, और मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.67 × 10⁻²⁷ होता है, और चार्ज क्या रहता है इलेक्ट्रॉन पे, 1.602 × 10⁻¹⁹ कूलम, ठीक है। ये सारा चीज़ आप याद रखिए। तीसरा क्वेश्चन है, एज पर कूलम्स लॉ क्या है, तो ऑलरेडी फार्मूला पहले लिख चुका हूँ पहला क्वेश्चन में, F इक्वल टू Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R d स्क्वायर, क्या होगा इसका आंसर, सी होगा। तो इसको हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, F इक्वल टू 9 × 10⁻⁹, ठीक है, × Q1 Q2 बाय, कभी कभी ऐसा भी रहता है, d² इसलिए 9 × 10⁹ आया। इसका जब एप्सिलॉन का मान अगर रखिएगा यहाँ पे कितना होता है, 8.854 × 10⁻½ फैराड पर मीटर, तो क्या होगा इससे, क्या होगा इसका आ जाएगा, उसको डिवाइड जब कीजिएगा 9 × 10⁹ आ जाता है, इसलिए इसका शॉर्टकट ऐसे लिखते हैं हम लोग। चौथा क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट सिचुएटेड 4 मीटर फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज 200 न्यूटन/कूलम, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है, इफ द डिस्टेंस रिड्यूस टू 2 मीटर, जब डिस्टेंस को हम 2 मीटर तक रिड्यूस कर दिया तो फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। तो क्या है, 4 मीटर पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E कितना है, 200 न्यूटन/कूलम, कितना डिस्टेंस पे, डी जब 4 मीटर रहता है, ठीक है। अब क्या है उसके बाद, इफ द डिस्टेंस इज रिड्यूस टू 2 मीटर, अब D1 इतना था, अब D2 कितना हो गया, 2 मीटर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
क्या है इसका, देखिए फॉर्मूला क्या क्या है। हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स का क्या होता है यूनिट कूलम न्यूटन, और चार्ज का कूलम, इसलिए इसका न्यूटन पर कूलम क्या होता है यूनिट। ठीक है, देखिए फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो ई वन दिया हुआ है, ई वन मान लेते हैं, ई वन दिया हुआ है, ई वन कितना है, ई वन दिया हुआ है 200 न्यूटन पर कूलम, तो ई वन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एफ वन बाई क्यू, चार्ज तो सेम ही रहेगा, तो एफ वन को हम क्या लिख सकते हैं, एफ वन किसके प्रोपोर्शनल है, वन बाई डी स्क्वायर के, इसको क्या लिख सकते हैं, एफ वन को वन बाई डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर नीचे चला जाएगा, तो क्या लिखेगा, डी वन स्क्वायर क्यू लिख सकते हैं इसको, तो ई वन ये आ गया। ई टू हमको निकालना है, ई टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई टू हो जाएगा वन बाय डी टू स्क्वायर इंटू क्यू। ठीक है, अब देखिए ई वन बाई ई टू कर देते हैं, ई वन बाई ई टू करेंगे तो कितना आ जाएगा, ई वन बाई ई टू, तो इसका वन बाई डी वन स्क्वायर इंटू क्यू गुना डी टू ऊपर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, डी टू स्क्वायर इंटू क्यू बाई वन, क्यू क्यू कैंसिल, तो डी टू स्क्वायर बाई डी वन स्क्वायर इक्वल टू ई वन बाई ई टू। ई वन दिया हुआ आपका, ई वन कितना दिया हुआ है 200 न्यूटन, तो ई वन 200 दिया हुआ, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 200 बाई ई टू हमको निकालना है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए वन बाई डी डी वन, डी वन कितना है 4 का स्क्वायर, तो 1/16 आई 1/16 इंटू ऊपर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, तो चार 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 से कट जाएगा, तो ई टू कितना आ जाएगा, ई टू कितना आ जाएगा 4 × 200 800 न्यूटन पर कूलम, क्या हो जाएगा आंसर इसका, सी हो जाएगा आंसर, क्या होगा 800 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, बस आप रिलेशन याद रखिए, उसे आसानी से क्वेश्चन डील हो जाएगा। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इन एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। ठीक है, छठा क्वेश्चन है, द लाइन ऑफ फोर्स ड्यू टू चार्ज पार्टिकल्स आर ऑलवेज क्या होता है, कर्व, जो चार्ज पार्टिकल के कारण जो लाइन ऑफ फोर्स बनता है वो हमेशा क्या होता है, कर्व होता है, ऑलवेज कर्व्ड लाइन होता है। सातवां क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस डी फ्रॉम स्टेट चार्ज कंडक्टर इज, तो क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, सात का क्या हो जाएगा आंसर, डी हो जाएगा, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी होगा, तो इसका सात का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट डायरेक्शन ऑफ, आठवां क्वेश्चन है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेज, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, अवे फ्रॉम चार्ज टूवर्ड्स द चार्ज, तो जब भी पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ठीक है, जब भी पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो क्या होगा, जैसे मान के चलिए पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज, हमेशा क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, अवे फ्रॉम चार्ज, अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रहेगा तो क्या होगा, टूवर्ड्स द चार्ज, बस ये याद रखना आपको, तो क्या होगा इसका आंसर, अवे फ्रॉम द चार्ज। नाइन का, ये फील्ड लाइन एंड एन इक्विपोटेंशियल सरफेस आर हमेशा क्या होता है, ऑलवेज एट 90 डिग्री या ऑर्थोगोनल होता है। दस का, द एबिलिटी ऑफ चार्ज बॉडी टू एग्जर्ट फोर्स ऑन एनोदर इज एट्रीब्यूट टू द एग्जिस्टेंस ऑफ, क्या हो जाएगा इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो होता है चार्ज बॉडी क्या करता है, फोर्स क्या करता है, एग्जर्ट करता है, तो क्या होगा इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड। 10 का इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। 11 का, इफ द सीट ऑफ ए बेकलाइट इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट ऑफ एयर कैपेसिटर द कैपेसिटेंस विल बी, तो कैपेसिटेंस क्या होगा, कैपेसिटेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि बेकलाइट अगर हम डालेंगे बीच में, इंसर्ट करेंगे, तो उसका रिलेटिव परमेबिलिटी बढ़ेगा, जब रिलेटिव परमेबिलिटी बढ़ेगा तो क्या होता है, सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट आर ए बाई डी। ठीक है, अब देखिए पहले क्या है, एयर था तो सिर्फ सी इक्वल टू क्या था, एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद ए बाई डी,
एयर था तो रिलेटिव परमिबिलिटी वन था एयर का, लेकिन बेकेलाइट का वन से ज़्यादा होता है, तो या इसलिए इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, तो ज़्यादा ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बेकेलाइट ऐड कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं बिटवीन द प्लेट ऑफ एयर कैपेसिटर, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इंक्रीज। नेक्स्ट, एक कैपेसिटर स्टोर 0.24 कूलम एट 10 वोल्ट इट्स कैपेसिटेंस इज, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, देखिए क्यू इक्वल टू क्या होता है, सी वी, ठीक है, सी वी होता है, तो सी आपका दिया हुआ है, कूलम चार्ज दिया हुआ है, ठीक है, और 10 वोल्ट्स दिया हुआ, तो सी इक्वल टू क्या होगा, सी इक्वल टू क्यू बाई वी लिख सकते हैं, चार्ज देखिए दिया हुआ 0.24 कूलम, ठीक है, वोल्टेज दिया हुआ 10, तो कितना आंसर आ जाएगा इसका, 0.024, इसको अगर डिवाइड कीजिएगा तो क्या आंसर आएगा, 0.024 फैराड। 13, फॉर मेकिंग ए कैपेसिटर इट इज बेटर टू सेलेक्ट ए डायलेक्ट्रिक हैविंग, तो इसका जो है कोई भी कैपेसिटर को अगर हम बनाते हैं तो इट इज बेटर टू सेलेक्ट ए डायलेक्ट्रिक हैविंग क्या, हाई परमिटिविटी, जितना परमिटिविटी हाई होगा उसका कैपेसिटर का परफॉर्मेंस, उसमें चार्ज स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होगी, तो क्या होगा इसका, हाई परमिटिविटी। 14, द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस आर, कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होगा, देखिए कैपेसिटेंस का क्या होगा, हम क्या बताए थे अभी, कैपेसिटेंस का क्या बताए थे कि क्यू इक्वल टू क्या होता है, सी वी, तो सी इक्वल टू क्या लिखेंगे, क्यू बाई वी लिखेंगे, तो क्यू चार्ज है, चार्ज का कूलम्ब वोल्ट, क्या होगा कूलम्ब्स पर वोल्ट, क्या होगा आंसर 14 का बी, और कैपेसिटर को, कैपेसिटर का एक और यूनिट क्या होता है, फैराड, या फैराड भी होता है, एफ, तो यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस आर कूलम्ब्स पर वोल्ट। नेक्स्ट, इफ 350 माइक्रो फैराड कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज द नेट कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटर के केस में क्या होता है, इसका रेसिस्टर के, रेसिस्टर का उल्टा होता है, रेसिस्टेंस में क्या होता है, अगर सीरीज में रहता है तो ऐड होता है, ठीक है, लेकिन कैपेसिटेंस क्या होगा, अगर सीरीज में रहेगा तो लुक्स लाइक ए पैरेलल, तो उसका क्या होगा, 1/15/3 कैपेसिटर, और सेम है सबका कैपेसिटेंस वैल्यू, कैपेसिटर वैल्यू, तो नेट कैपेसिटेंस क्या होगा, 3, तो 15/3 कर दीजिए डायरेक्ट, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, 5 माइक्रो फैराड। इफ 310 माइक्रो फैराड कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल, अगर पैरेलल में है तो 3 × 10 कितना हो जाएगा, 30 माइक्रो फैराड। ए डायलेक्ट्रिक मटेरियल मस्ट बी, तो इलेक्ट्रिक मटेरियल कैसा होना चाहिए, मस्ट बी ए इंसुलेटर, क्या होना चाहिए, डायलेक्ट्रिक मटेरियल तो इंसुलेटर तो है, क्या होगा, इंसुलेटर होगा इसका आंसर। 18, एन इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर कैन बी यूज्ड फॉर, तो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर जो है ये पोलैरिटी इसमें रहना चाहिए पॉजिटिव और निगेटिव, तो क्या होगा, डीसी ओनली, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर ऑलवेज यूज्ड फॉर डीसी पर्पस। 19, द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज नॉट अफेक्टेड बाय, देखिए कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज नॉट अफेक्टेड बाय दिया है, तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए सी इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट आर ए बाय डी, एरिया बाय डिस्टेंस, ठीक है, अब देखिए यहाँ डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, ठीक है, एरिया ऑफ द प्लेट पे भी डिपेंड करता है, थिकनेस ऑफ द प्लेट पे डिपेंड नहीं करता, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, थिकनेस ऑफ द प्लेट। 20, द कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, ठीक है, अगर सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के केस में जैसे ये देखिए यहाँ पे एक कैपेसिटर है, ठीक है, यहाँ पे ये सिलेंड्रिकल टाइप का, इसको ऐसे कर दिया, ठीक है, इस तरह का है, तो इसके केस में क्या होगा, जैसे इसका रेडियस आर वन हो गया स्मॉल रेडियस, और इसका आर टू हो गया, तो इसका हमको कैपेसिटेंस निकालना है, तो C इक्वल टू फॉर्मूला आता है 2π ε0 R, ठीक है, बाई क्या हो जाएगा log या ln, ln जो रेडियस जिसका ज़्यादा होगा R2/R1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा D, 2π ε0 R log E R2/R1। 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए वैक्टर, इसमें से कौन सा वैक्टर नहीं है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए नॉट ए वैक्टर क्वान्टिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वान्टिटी है, ठीक है, यहाँ पर देखिए लीनियर मोमेंटम, ठीक है,
ये क्या वेक्टर है, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है, क्योंकि लीनियर मोमेंटम क्या होता है, पी कल टू एम वी, पी कल टू एम वी, वी वेलोसिटी है, ये ऑलरेडी क्या है वेक्टर क्वांटिटी है, एंगुलर एंगुलर मोमेंटम स्मॉल पी इक्वल टू एम डब्ल्यू, तो ये भी क्या है वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है स्केलर क्वांटिटी है। 22 इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन ए कूलम्स इमिनेटिंग फ्रॉम एनी सरफेस ऑफ ए क्यूब कंटेनिंग सी कूलम्स ऑफ चार्ज एट इट्स सेंटर इज, ठीक है, तो ये क्यूब है, अगर क्यूब के केस में है तो इसका क्या होगा, जैसे टोटल चार्ज पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन ए कूलम, तो क्यू बाय सिक्स ही होगा इसका। ट्वेंटी थ्री है, टू मेटल प्लेट डिस्टेंस डी अपार्ट फ्रॉम कैपेसिटेंस कैपेसिटर ऑफ वैल्यू सी फैराड्स, एनदर मेटल प्लेट ऑफ थिकनेस डी बाई टू एंड ऑफ द सेम एरियाज इंसर्टेड इन बिटवीन दिस टू प्लेट, कैपेसिटेंस ऑफ द थ्री प्लेट कैपेसिटर विल बी, तो ये बहुत ही अच्छा, यहाँ पे टू मेटल प्लेट है, ठीक है, टू मेटल प्लेट डिस्टेंस डी अपार्ट फ्रॉम ए कैपेसिटर ऑफ द वैल्यू सी फैराड, तो मतलब दिया हुआ जैसे यहाँ पे देखिए एक प्लेट ए है, सॉरी वन प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस डी है, उसके बाद बोल रहा है और इसका जो कैपेसिटेंस है वो सी है, इसका सी है, एनोदर मेटल प्लेट ऑफ थिकनेस डी बाई टू, एक डी बाई टू थिकनेस का यहाँ पे हम क्या किए बीच में इंसर्ट कर दिए डी बाई टू का, तो इसका डी बाई टू का ये भी मेटल प्लेट है, ये भी प्लेट है, तो ये कैसा कनेक्शन हो गया, सीरीज कनेक्शन हो गया, ठीक है, कैपेसिटर मतलब इसमें कुछ होगा एयर है, ये भी एयर है, इसका इसका प्लेट मिलके, ठीक है, और इसका इसका, तो दोनों क्या हो जाएगा सीरीज में कनेक्शन है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डी है और ए डी बाई टू है, तो ए इस दोनों का डिस्टेंस क्या होगा डी बाई फोर, ए भी डी बाई फोर, डी बाई फोर, ए डी बाई फोर, ए डी बाई फोर, तो इसका अलग अलग क्या होगा, ये दोनों सीरीज में है, तो क्योंकि ये टोटल कैपेसिटेंस सी है, तो सी इक्वल टू, इसको अगर हम सी वन मानते हैं, इसको सी टू मानते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, सी वन इंटू सी टू बाई सी वन प्लस सी टू लिख सकते हैं। अब सी वन क्या है, अब देखिए सी वन हम निकाल लेते हैं, सी वन इक्वल टू क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, डिस्टेंस क्या है डी बाई फोर, तो फोर ऊपर चला जाएगा बाई डी, फिर सी टू भी क्या हो जाएगा सेम ही होगा, एप्सिलॉन नॉट ए इंटू फोर बाई डी, उसके बाद ये दोनों क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ से हमको क्या मतलब क्या है, सिर्फ फोर फोर है सब में, क्या होगा फोर इंटू फोर बाई फोर प्लस फोर एट, कितना हो जाएगा फोर इंटू कितना हो जाएगा टू, क्या हो जाएगा इसका आंसर टू हो जाएगा, तो इस तरह क्वेश्चन को आप आसानी से इसी प्रकार से आप डील कर सकते हैं 23 का। नेक्स्ट 24 इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए होलो मेटेलिक चार्ज स्फीयर इज, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा क्या होगा जीरो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए होलो मेटेलिक चार्ज स्फीयर इज क्या होगा हमेशा जीरो होगा। 25 ए कंडक्टर बॉडी हैज ए सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ क्या कितना है रो कूलम पर मीटर स्क्वायर, द फील्ड इंटेंसिटी एट इट्स सरफेस विल बी, इसका जो आंसर क्या हो जाएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर दे दिया इसका कंडक्टिंग का सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है, और पूछ रहा है फील्ड इंटेंसिटी एट इट्स सरफेस विल बी, तो फील्ड इंटेंसिटी एट इट्स सरफेस की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पे देखिए डी इक्वल टू क्या होता है डी इक्वल टू सॉरी डी इक्वल टू क्या होता है ई होता है, ठीक है, हमको क्या निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो और डी डेंसिटी दिया हुआ है क्या हो रो कूलम्स पर मीटर स्क्वायर, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा रो बाई, यही तो है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट टू प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आफ्टर बीइंग चार्ज फ्रॉम ए कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स आर सेपरेटेड अपार्ट बाय मींस ऑफ इंसुलेटिंग हैंडल्स, देन द पहला ऑप्शन है वोल्टेज अक्रॉस द प्लेट इंक्रीजेज, वोल्टेज अक्रॉस द प्लेट डिक्रीजेज, चार्ज ऑन द कैपेसिटर डिक्रीजेज, उसके बाद चार्ज ऑन द कैपेसिटर इंक्रीजेज, तो क्या होगा देखिए टू प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आफ्टर बीइंग चार्ज मतलब फुली चार्ज है
फ्रॉम ए कॉन्स्टेंट वोल्टेज सोर्स आर सेपरेटेड अपार्ट बाय मीन्स ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल। ठीक है, तो अगर हम उसको सेपरेट कर रहे हैं तो क्या होगा, वोल्टेज क्या होगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि क्या होगा, चार्ज जो होगा चार्ज क्या करेगा, देखिए Q इक्वल टू क्या होता है सी वी। ठीक है, हमको कितना है Q इक्वल टू सी वी, तो वोल्टेज क्या होगा Q बाय सी। अगर C इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे देखिए C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, क्या बोल रहा है, डिस्टेंस को क्या कर रहे हैं हम बढ़ा रहे हैं, तो कैपेसिटेंस क्या हो रहा है, डिस्टेंस को अगर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या बोल, आर सेपरेटेड अपार्ट बाय मीन्स ऑफ इंसुलेटिंग हैंडल्स। ठीक है, तो डिस्टेंस को हम क्या कर रहे हैं बढ़ा रहे हैं, तो कैपेसिटेंस क्या हो रहा है, कैपेसिटेंस घट रहा है। ठीक है, लेकिन क्या है, कांस्टेंट चार्ज है, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स है, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स है, तो एक बार जब कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा उसको जब हम सेपरेट करेंगे तो क्या होगा, वोल्टेज अक्रॉस द प्लेट स्टार्ट डिक्रीजिंग। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। नेक्स्ट है 27 का, इफ एसी वोल्टेज अप्लाई टू कैपेसिटिव सर्किट द अल्टरनेटिंग करंट कैन फ्लो इन द सर्किट बिकॉज, पहला ऑप्शन है वायरिंग वोल्टेज प्रोड्यूस द चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग करंट ऑफ हाई पीक वैल्यू, पहला ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। क्या होगा, एक बार हम एसी वोल्टेज अप्लाई करेंगे कैपेसिटिव सर्किट में तो क्या होगा, वो पहले क्या होगा, चार्ज होगा, फुल्ली चार्ज होगा, उसके बाद फिर डिस्चार्ज होगा, तो वही है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग विल हैपन। 28, वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस ए सेरामिक डायलेक्ट्रिक प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रोलाइटिक फील्ड 100 टाइम्स ग्रेटर देन एयर, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना हो जाएगा, क्योंकि 100 टाइम्स हो रहा था 100 हो जाएगा इसका। 29, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें कौन सा करेक्ट है, पहला एयर कैपेसिटर हैव ए ब्लैक बैंड टू इंडिकेट द आउटसाइड फॉयल, गलत है ये, ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर मस्ट बी कनेक्टेड इन द करेक्ट पोलैरिटी, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर को हमेशा करेक्ट पोलैरिटी के साथ ही कनेक्ट किया जाता है, सेरामिक कैपेसिटर मस्ट बी कनेक्टेड, नहीं ये नहीं है, डी भी नहीं होगा, इसलिए क्या होगा इसका आंसर, बी इज ए करेक्ट आंसर। 30, द डिसिपेशन फैक्टर ऑफ ए गुड डायलेक्ट्रिक इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, डिसिपेशन फैक्टर किसी भी डायलेक्ट्रिक मटेरियल का बहुत ही कम रहना चाहिए। ठीक है, जितना कम रहेगा उतना परफॉर्मेंस जो डायलेक्ट्रिक का होगा वो ज़्यादा अच्छा होगा, तो क्या होगा इसमें सबसे ज़्यादा कम किसका है, ऑप्शन में ये है, इससे भी कम रहता तो वो आंसर हो जाता। 31, इफ द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस सराउंडिंग चार्ज इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज इनक्लोज, तो ये कौन सा है, गॉस लॉ है, क्या है, गॉस लॉ का ये स्टेटमेंट है, मतलब टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस। 32, द थ्री कैपेसिटर ईच ऑफ द कैपेसिटी सी आर गिवेन, द रिजल्टिंग कैपेसिटी 2/3 कैन बी ऑब्टेन बाय यूजिंग, तो क्या होगा इसका, किस कैसा अगर कम्बिनेशन करेंगे, देखिए हमको मतलब टोटल क्या है, थ्री ईच सबका कैपेसिटेंस वैल्यू सी दिया है, ठीक है, सबका सी दिया है, और रिजल्टेंट हमको चाहिए सी इक्विवेलेंट 2/3, तो कैसा कनेक्शन करेंगे, देखिए पहला अगर हम यहाँ पे सी करते हैं, फिर यहाँ पे सी करते हैं, फिर यहाँ पे एक सी सीरीज में लेते हैं, तो ये दोनों पैरेलल में आ गया, ठीक है, और यहाँ पे ये इक्विवेलेंट हमको कितना आएगा, सी निकालना है, तो ये दोनों पैरेलल में आ जाएगा, 2/3 सी आना चाहिए, 2/3 सी, तो ये सी सी कितना हो जाएगा पैरेलल में, तो 2 सी, ये सी हो गया 2c × c/2c + c 3c, सी सी कैंसिल, तो 2c/3 क्या हो जाएगा, तो 2 in parallel and 3 in series विद दिस कॉम्बिनेशन। 33, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर वेरिएशन द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर रिमेंस अनअफेक्टेड, तो यहाँ पे ऑलरेडी ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो थिकनेस ऑफ द प्लेट पे क्या है, डिपेंड नहीं करता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। 34, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो पहला ऑप्शन है द करेंट इन द डिस्चार्जिंग कैपेसिटर ग्रो लिनियरली, ये गलत है, पहला गलत है, दूसरा क्या है, द करेंट इन द डिस्चार्जिंग कैपेसिटर ग्रो एक्सपोनेंशियली, एकदम सही है, उसके बाद ये दोनों गलत ही होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द करेंट इन द डिस्चार्जिंग कैपेसिटर ग्रो एक्सपोनेंशियली, ये ट्रू है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, डी इक्वल टू, पहले बता चुके थे डी इक्वल टू क्या होता है, तो इसका अगर हम करेंगे तो ए ऑप्शन इज करेक्ट,
अगर डी इक्वल टू क्या होगा, ई इक्वल टू देख सकते हैं डी वाई एप्सिलॉन, ठीक है। 36 इन ए कैपेसिटर दैट इलेक्ट्रिक चार्ज इज स्टोर इन, इलेक्ट्रिक चार्ज कहाँ पे स्टोर करते हैं कैपेसिटर में, हमेशा डायलेक्ट्रिक में, हमेशा कहाँ पे डायलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करते हैं। 37 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे ज़्यादा किस में रहता है, ग्लासेस, वैक्यूम्स, सेरामिक, वायर, तो यहाँ पे जो है सेरामिक में सबसे ज़्यादा डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ रहेगा, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तो सेरामिक का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे ज़्यादा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैपेसिटर विल हैव द लीस्ट वेरिएशन, सबसे कम वेरिएशन किस में होगा, तो यह है आपका सिल्वर प्लेटेड माइका कैपेसिटर। 39 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, 39 का क्या होगा, पहला ऑप्शन है इसमें कौन सा गलत है, तो पहला ऑप्शन है द लीकेज रेजिस्टेंस ऑफ सेरामिक कैपेसिटर जनरली हाई, ये क्या है, लीकेज रेजिस्टेंस ऑफ सेरामिक कैपेसिटर इज जनरली हाई, तो ये क्या है, ये सही है। द स्टोर एनर्जी इन कैपेसिटर डिक्रीज विद रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, ऐसा नहीं है, ठीक है, इनकरेक्ट बोल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, द स्टोर एनर्जी इन कैपेसिटर डिक्रीज विद रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ कैपेसिटर, देखिए ई इक्वल टू क्या होता है, हाफ सी वी स्क्वायर, तो क्या होगा, अगर कैपेसिटेंस कैपेसिटर डिक्रीज करेगा तो रिडक्शन वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, अगर ए डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, कैपेसिटेंस भी डिक्रीज होगा, नहीं, वो डिपेंड करता है कि वोल्टेज क्या हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, गलत। नेक्स्ट 40 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैपेसिटर हैज द रिलेटिवली शॉर्टेस्ट सेल्फ लाइफ, शॉर्टेस्ट सबसे कम लाइफ किसका, सबसे कम लाइफ जो होता है ये होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर हैविंग शॉर्टर सेल्फ लाइफ। 41 द स्पार्किंग बिटवीन टू इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट कैन बी रिड्यूस बाय इंसर्टिंग ए कैपेसिटर इन पैरेलल विद कॉन्टैक्ट, कैपेसिटर इन सीरीज विद ईच अदर, ईच कॉन्टैक्ट रेसिस्टेंट इन लाइन, नन ऑफ द अबव, तो इसका जो होगा कैपेसिटर इन पैरेलल विद द कॉन्टैक्ट। ये स्पार्किंग को अगर कम करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, कैपेसिटर को पैरेलल में लगाना पड़ेगा विद कॉन्टैक्ट। 42 इन द केस ऑफ लॉसी कैपेसिटर इट्स सीरीज इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस वैल्यू विल बी, तो कितना होगा इसका, 42 का लार्ज, इट शुड बी लार्ज, लॉसी कैपेसिटर है और सीरीज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वैल्यू विल बी लार्ज, जितना ज़्यादा रहेगा उतना क्या होगा, ज़्यादा लॉस होगा कैपेसिटर में। 43 द पावर डिसिपेटेड इन ए प्योर कैपेसिटर, पावर डिसिपेटेड इन प्योर कैपेसिटर जीरो, क्योंकि कैपेसिटर स्टोर करता है एनर्जी को, ठीक है, रेजिस्टर ही सिर्फ जो है रेजिस्टेंस सिर्फ क्या करता है, पावर डिसिपेट करता है, इसका क्या हो जाएगा, जीरो। 44 द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, सर्किट दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ 6 और 12 क्या है, ये सीरीज में है और 8 ओम पैरेलल में है दोनों का, तो 6 और 12 सीरीज में, तो इसको 6 इंटू 12 कर देंगे, 6 इंटू 12 बाय 18, तो कितना हो जाएगा, 4 और 8 पैरेलल में, तो 4 प्लस 8 तो क्या हो जाएगा, 12 माइक्रोफेरेड। 45 इन ए कैपेसिटिव सर्किट, तो कैपेसिटिव सर्किट में क्या हुआ, पहला एसटीडी वैल्यू अप्लाइड वोल्टेज काउज डिस्चार्ज, ये गलत है, पहला गलत है, दूसरा एन इंक्रीज इन अप्लाइड वोल्टेज मेक्स ए कैपेसिटर चार्ज, अगर वोल्टेज को हम इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, कैपेसिटर चार्ज होगा, तीसरा है डिक्रीज इन अप्लाइड वोल्टेज मेक ए कैपेसिटर चार्ज, नहीं, अगर हम वोल्टेज को डिक्रीज करेंगे तो कैपेसिटर चार्ज नहीं होगा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 46 व्हेन अ डायलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट विल बी, ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर हम डायलेक्ट्रिक स्लैब को क्या करें, इंट्रोड्यूस करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बिटवीन प्लेट, तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे Q इक्वल टू क्या होता है, सी वी, ठीक है, अगर हम डायलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो कैपेसिटर क्या हो रहा है, सी इक्वल टू क्या हो रहा है, सी कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा, बढ़ेगा, तो जब कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा तो वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज कम होगा, इसके लिए सी इक्वल टू क्यू वाई वी, अगर चार्ज तो सेम ही रहेगा तो क्या होगा, अगर कैपेसिटेंस ज़्यादा हो रहा है तो वोल्टेज कम हो रहा है, तो इसलिए क्या होगा, डिक्रीजेज, तो 46 का क्या होगा, डिक्रीज। द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट इज, तो यहाँ पर दिया हुआ देखिए, ये पैरेलल में है, ये भी पैरेलल में है और ये सीरीज में है, तो इसका क्या होगा, 2 इंटू 2 4 बाय 4, तो 2 प्लस 2 4 प्लस 2, तो उसके बाद
ये सारा का सारा पैरेलल में हो जाएगा, तो वन बाय टू प्लस वन बाय टू प्लस वन बाय फोर, तो क्या हो जाएगा, टू प्लस टू प्लस वन बाय फोर, ठीक है, तो कितना हो जाएगा इसका, अब तो फोर बाय फाइव, तो 0.8 माइक्रो फैराड। 48, द कैपेसिटेंस इंक्रीज विथ, कैपेसिटेंस इंक्रीज विथ, तो C इक्वल टू क्या हो गया, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, आर भी होगा यहाँ पे, ठीक है, इंक्रीज इन प्लेट एरिया, अगर प्लेट एरिया एंड डिक्रीज इन डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, इसको डिक्रीज करेंगे और इसको इंक्रीज करेंगे तो कैपेसिटेंस इंक्रीजेज होगा, ठीक है, तो इससे पहला ऑप्शन ही करेक्ट है, तो उसके बाद ये सारा गलत ही होगा, तो क्या होगा 41 का, इंक्रीज इन प्लेट एरिया एंड डिक्रीज इन डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। 49, ए कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ, द कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ, पहला है टू इंसुलेटर सेपरेटेड बाय ए कंडक्टर, नहीं, टू कंडक्टर सेपरेटेड बाय इंसुलेटर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। ए गैंग कंडेंसर इज, गैंग कंडेंसर इज क्या हो जाएगा इसका, गैंग कंडेंसर इज ए वेरिएबल कैपेसिटर, गैंग कंडेंसर जो होता है उसको हम क्या करते हैं, उस कैपेसिटर को हम बढ़ा सकते हैं कैपेसिटेंस वैल्यू और घटा भी सकते हैं, तो इसका क्या होगा, वेरिएबल कैपेसिटर। 51, ए पेपर कैपेसिटर यूजुअली अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ, तो पेपर है तो कैसा होगा, रोल्ड फॉइल। 52, एयर कैपेसिटर आर जनरली अवेलेबल इन द रेंज ऑफ, एयर कैपेसिटर है तो एयर कैपेसिटर का रेंज क्या होगा, एयर कैपेसिटर का रेंज होगा 10 to 400 पीको फैराड, बहुत ही कम होता है। द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इज, तो क्या होगा, फैराड। यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज, यूनिट क्या होगा, फैराड। 54, ए कैपेसिटर चार्ज टू 200 वोल्ट हैज ए 2000 माइक्रो कूलम्ब ऑफ चार्ज, द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, तो देखिए Q इक्वल टू सी वी, तो C निकालना, C इक्वल टू क्यू वाई वी, Q दिया हुआ आपका चार्ज, चार्ज कितना है 2000 माइक्रो कूलम्ब बाय 200, तो कितना 10, तो 10 क्या हो जाएगा, माइक्रो फैराड, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 54 का 10 माइक्रो फैराड, बी। 55, ए कैपेसिटर इन ए सर्किट बिकम हॉट एंड अल्टीमेटली एक्सप्लोड ड्यू टू रॉन्ग कनेक्शन, व्हिच टाइप ऑफ कैपेसिटर इज, क्या बोले, जहाँ पे पोलैरिटी की बात आएगी तो वहाँ पे हमेशा क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। 56, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एट एनी टाइम टी ड्यूरिंग चार्जिंग फ्रॉम ए डीसी, तो ठीक है, जब चार्जिंग कंडीशन में हो तो क्या होगा, वी टी इक्वल टू वी इंटू वन माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाय डिस्चार्जिंग, ये चार्जिंग का है, हमेशा चार्जिंग का इक्वेशन होता है वी इंटू वन माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाय टॉ टाइम कॉन्स्टेंट जो भी हो, और डिस्चार्जिंग का जो होता है, डिस्चार्जिंग का वी टी इक्वल टू क्या होता है, वी इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाय टॉ, ठीक है, टाइम कॉन्स्टेंट, इसको याद रखें, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। 57, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज कॉल्ड एज, तो उसको क्या बोलेंगे, परमिटिविटी, परमिटिविटी, तो आंसर क्या हो जाएगा, परमिटिविटी, देखिए D इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट E होता है, तो वही बोल रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी D बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, यह परमिटिविटी, तो क्या होगा इसका, परमिटिविटी। 58, इनर्जी स्टोर इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए कैपेसिटर सी व्हेन द चार्ज फ्रॉम ए डीसी सोर्स ऑफ वोल्टेज वी इज इक्वल टू, तो क्या होता है, इनर्जी इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा, 1/2 हाफ सी वी स्क्वायर, तो 1/2 सी वी स्क्वायर हो जाएगा 58 का। 59, द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो इसका हो जाएगा 8.854 × 10^-12 फैराड पर मीटर। 60 का, द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज गिवेन बाय, तो फ्री स्पेस है तो क्या होगा, एयर, तो जीरो एयर होगा तो क्या होगा, रिलेटिव परमिटिविटी हमेशा 1 होता है एयर का। 61, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर हो जाएगा। 62, व्हेन 4 वोल्ट ईएमएफ इज अप्लाइड अक्रॉस ए 1 फैराड कैपेसिटर इट विल स्टोर चार्ज, तो स्टोर चार्ज क्या हो जाएगा इसका, हाफ सी वी स्क्वायर, तो हाफ सी के जगह पर क्या हो जाएगा, सी के जगह पर 1, अभी स्क्वायर 16, तो क्या हो जाएगा 8 जूल, तो क्या हो जाएगा आंसर 8 जूल्स, 62 का क्या होगा 8 जूल्स। 63,
विथ स्टेडी डीसी वोल्टेज फ्रॉम ए बैटरी अप्लाई टू ए कैपेसिटर आफ्टर इट्स चार्ज टू ए बैटरी वोल्टेज द करेंट इन द सर्किट। तो करेंट इन द सर्किट क्या होगा, करेंट इन द सर्किट क्या बोल रहा है, विथ स्टेडी डीसी वोल्टेज, स्टेडी डीसी वोल्टेज है ठीक है कैपेसिटर में, तो स्टेडी मतलब टाइम कॉन्स्टेंट क्या आ गया, टाइम कॉन्स्टेंट इन्फिनिटी पे ठीक है स्टेडी पे होगा, तो उसका क्या होगा इज ग्रेटर देन लार्जर वैल्यू ऑफ कैपेसिटर इज जीरो फॉर एनी कैपेसिटेंस, क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा जीरो हो जाएगा 63 का। 64 द कैपेसिटर प्रिफर्ड फॉर हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट इज, हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट के लिए हमेशा माइक्रो कैपेसिटर यूज हम करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट के लिए कौन सा माइक्रो कैपेसिटर यूज करते हैं, और माइका कैपेसिटर का जो माइका का जो होता है रिलेटिव परमेबिलिटी वो कितना से कितना के बीच में होता है, 4 से लेके 8 के बीच में होता है। 65 द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर बैंक यूज इन अ पावर फैक्टर करेक्शन इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ के वी ए आर। और देखिए अल्टरनेटर का जो रेटिंग होता है केवीए में होता है ठीक है, और जो डीसी मोटर होता है डीसी जनरेटर ठीक है उसका किलोवाट में होता है। While testing a capacitor with ohm meter, if the capacitor shows charging but the final resistance reading is क्या है appreciably less than normal, it can be concluded that the capacitor is क्या है capacitor कैसा होगा, तो capacitor is leaky। 67 if 6 microfarad capacitor is charged to 200 volt, the charge in coulomb will तो क्यूकल टू सी भी 200 × 6 कितना हो जाएगा 1200 माइक्रो कूलम हो जाएगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 68 व्हिच कैपेसिटर विल बी फिजिकली स्मॉलर फॉर सेम रेटिंग, सेम रेटिंग पे कौन सा कैपेसिटर का साइज सबसे छोटा होगा, तो सबसे छोटा कैपेसिटर इसमें कौन सा होगा सेरामिक कैपेसिटर जो हम लोग रेडियो में यूज करते हैं सेरामिक कैपेसिटर, क्योंकि इसका फ्रिक्वेंसी भी ज़्यादा होता है क्या होगा, लेकिन सेम रेटिंग पे सबसे फिजिकली स्मॉलर साइज कैसा होगा सेरामिक कैपेसिटर। 69 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस दैट मस्ट बी कनेक्टेड इन पैरेलल विथ 50 pF कंडेंसर टू मेक ए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ 150 pF ठीक है, तो कैसा कनेक्शन होगा, तो अगर हम कैसा करें व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस दैट मस्ट बी कनेक्टेड इन पैरेलल विथ, तो कितना हो जाएगा इसका अगर पैरेलल में करेंगे तो 150 को करेंगे ठीक है, तो 69 का क्या होगा 100 pF। 70 ए माइका कैपेसिटर एंड ए सेरामिक कैपेसिटर बोथ हैव द सेम फिजिकल डायमेंशन व्हिच विल हैव मोर वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस ठीक है, तो इसमें पहले ये डिस्कस हो जाएगा क्या होगा सेरामिक कैपेसिटर, क्या होगा इसका सेरामिक कैपेसिटर। 71 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज ए लीस्ट वैल्यू ऑफ डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, तो डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इसमें किसका सबसे Which of the following material has least value of dielectric constant? तो dielectric constant इसमें सबसे ज़्यादा कम किसका होगा वायल का, सिरामिक ग्लास और पेपर का ज़्यादा होता है लेकिन वायल कम होता है। Which of the following capacitor will have the least value of breakdown voltage? तो 72 का least value of breakdown voltage किसका होगा electrolytic। 73 द ब्रेकडाउन वोल्टेज फॉर पेपर कैपेसिटर यूजुअली कितना होगा 200 to 1600 volts, तो 200 से 1600 वोल्ट। डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ माइका क्या होगा 3 to 8, पहले बता चुके हैं। 75 द वैल्यू ऑफ डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट फॉर वैक्यूम इज टेकन एज, तो वैक्यूम है तो वैक्यूम के लिए कितना होगा 1 या R, दोनों क्या होता है 1 होता है, तो इसका 1 होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैपेसिटर इज ए मार्क फॉर पोलैरिटी, ये बहुत बार रिपीटेड है इलेक्ट्रोलाइटिक होगा। 77 विच ऑफ द फॉलोइंग कैपेसिटर कैन बी यूज फॉर टेम्परेचर कॉम्पनसेशन, तो टेम्परेचर कॉम्पनसेशन में कौन सा कैपेसिटर यूज करते हैं सेरामिक। 78 में है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो 78 का क्या है पहला ऑप्शन द थिनर द डायलेक्ट्रिक द मोर द कैपेसिटेंस एंड लोअर द वोल्टेज ब्रेकडाउन रेटिंग ऑफ द कैपेसिटर। 71 ये नहीं होगा, तो यहाँ पे है ये 6 dot माइका कैपेसिटर कलर कोड व्हाइट ग्रीन ब्लैक रेड एंड येलो हैज़ द कैपेसिटेंस वैल्यू ऑफ 500 pF, तो इसका अगर हम निकालेंगे ठीक है माइका कैपेसिटर का इसका चेक करना हमको इसमें ये सही है कि गलत है ठीक है।
पहला तो सही है, ये दूसरा चेक करते हैं, तो दूसरा क्या है, तो यहाँ पे क्या है, व्हाइट ग्रीन ब्लैक रेड एंड येलो। व्हाइट क्या होता है, ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो, देखिए ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू व्हाइट, तो ये व्हाइट कितना पे आ गया, आई थिंक ये 7 पे आ गया, और यहाँ पे 7 आ गया तो यहाँ तो 5 है, तो ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, तो इसका आंसर बी इज करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें कौन सा गलत है बोल रहा है, तो ये गलत है, तो यही इसका आंसर होगा। 79 द पेपर कैपेसिटर यूजुअली हैव ए टॉलरेंस ऑफ, तो टॉलरेंस ऑफ पेपर कैपेसिटर का कितना टॉलरेंस होगा, तो इसका जो टॉलरेंस होगा वो कितना होगा, प्लस माइनस 10%। 84 ए क्लोजर टॉलरेंस विच ऑफ द फॉलोइंग कैपेसिटर यूजुअली प्रिफर्ड, तो ये जो होता है माइका कैपेसिटर होगा इसका आंसर, माइका कैपेसिटर। 81 द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज ऑफ वन कूलम ईच एंड प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर विल हैव, तो कितना होगा इसका, अगर हम फोर्स निकालना है इलेक्ट्रिक, तो 9 × 10⁻⁹ इंटू क्या है, चार्ज वन कूलम है, तो 1 × 1 1/ डिस्टेंस 0.5 का डी स्क्वायर 0.25, तो ऊपर 100 आ गया, ये चार से कट गया, कितना होगा 36 × 10⁹ न्यूटन, तो 81 का डी। 82 द यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज चार्ज डेंसिटी आर, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कूलम पर, कूलम पर मीटर क्यू, वॉल्यूम है तो इसका यूनिट क्या होगा, मीटर क्यू, कूलम पर मीटर क्यू आंसर होगा, तो कूलम पर मीटर क्यू किस में है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी में है, तो कूलम पर मीटर क्यू हो जाएगा। 83 द सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट डी ओवर एनी क्लोज सर्फेस इक्वल टू द चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सर्फेस, तो ऑलरेडी ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये कौन सा है, गॉस लॉ है, गॉस लॉ को डिफाइन करता है। 84 द पोटेंशियल ऑफ ए स्फीयर इज गिवेन बाय, द पोटेंशियल पूछ रहा है, तो पोटेंशियल ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा, द पोटेंशियल ऑफ स्फीयर इज गिवेन बाय क्यू बाय 4π εr, ठीक है। 85 द डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ माइका, डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ माइका कितना होगा, डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ माइका जो होगा 50 से 200 kV/mm। द डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ग्लास इज गिवेन बाय, तो ग्लास का क्या होगा, ग्लास का जो होगा 5 to 100 के बीच में होगा, कितना 5 to 100, डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट जो होगा ग्लास का कितना होगा 5 to 100। 87 डैश कैपेसिटर आर मेनली यूज फॉर रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्यूनिंग, तो रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्यूनिंग का जहाँ तक बात होगा तो हमेशा एयर कैपेसिटर का यूज करते हैं हम लोग, एयर कैपेसिटर। डैश कैपेसिटर कैन बी यूज ओनली फॉर डीसी इलेक्ट्रोलाइट, ठीक ठीक है। 89 डैश कैपेसिटर आर यूज इन ए ट्रांजिस्टर सर्किट, तो ट्रांजिस्टर में, ट्रांजिस्टर का जब भी बात होगा तो ट्रांजिस्टर में कौन सा कैपेसिटर हम मोस्टली यूज करते हैं, तो ट्रांजिस्टर में सेरामिक, जो रेडियो में हम लोग यूज करते हैं सेरामिक करते हैं। 90 डैश कैपेसिटर आर यूज फॉर ऑडियो फ्रिक्वेंसी एंड रेडियो फ्रिक्वेंसी कपलिंग एंड ट्यूनिंग, तो क्या है, रेडियो फ्रिक्वेंसी एंड ऑडियो फ्रिक्वेंसी, ठीक है, कपलिंग एंड ट्यूनिंग के लिए कौन सा कैपेसिटर यूज करते हैं, माइका कैपेसिटर, क्या हो जाएगा इसका, माइका ट्यूनिंग के लिए। 91 द एरिया प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑब्टेन कैपेसिटी ऑफ इतना इतना, ठीक है, इफ दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ इतना, डायलेक्ट्रिक बिटवीन द परमिटिविटी इतना, तो एरिया निकालना है, ठीक है, तो एरिया निकाल लीजिए, तो सी इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट आर ए बाय डी, तो हमको सी दिया हुआ, सी कितना है 0.3 × 10⁻³ माइक्रोफेराड इंटू डिस्टेंस मल्टीप्लाई कर देंगे 10 मिलीमीटर को, क्या कर देंगे हम मीटर में बदल लेंगे, तो 10⁻⁴ मिलीमीटर को करेंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर में करेंगे तो कितना हो जाएगा -3, ठीक है, उसके बाद बाई एरिया हमको निकालना, तो इक्वल टू ए, और उसके बाद इसका जो है 8.854 × 10⁻¹² और डायलेक्ट्रिक दे दिया, परमिटिविटी जितना दे दिया 2.5, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका जो आंसर आएगा जब इसका सॉल्यूशन कीजिएगा 91 का, तो सॉल्यूशन करने के बाद जो आंसर आएगा 0.135 m² एरिया आएगा, इसलिए हम सारा यूनिट को क्या मीटर में चेंज कर दिए।
92, इफ थ्री कैपेसिटर सी वन सी टू एंड सी थ्री ऑफ द वैल्यू इतना 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 रिस्पेक्टिवली आर इन सीरीज एंड कनेक्टेड अक्रॉस ए पोटेंशियल ऑफ इतना देन चार्ज ऑन द ईच कैपेसिटर, तो चार्ज ऑन है ईच कैपेसिटर है, ईच कैपेसिटर में कितना चार्ज होगा। तो यहाँ पे दोस्तों थ्री कैपेसिटर है, सी वन सी टू एंड सी थ्री, ठीक है, थ्री कैपेसिटर है और सब सारे के सारे सीरीज में, एक सी वन सी टू और सी थ्री, एक का है 1 माइक्रोफेराड, 2 माइक्रोफेराड, 4 माइक्रोफेराड और इसके अक्रॉस में 230 वोल्ट का हम सप्लाई लगा दिए। इसमें बोल रहा है सारे कैपेसिटर में कितना चार्ज होगा, था चार्ज होने ईच कैपेसिटर। तो देखिए अगर कैपेसिटर सीरीज में कनेक्शन है तो उसके 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 जो उसमें जो चार्ज स्टोरेज होगा, ठीक है, कितना चार्ज स्टोरेज होगा, जब भी सीरीज कनेक्शन रहेगा कैपेसिटर का तो चार्ज हमेशा सारे में सेम रहेगा, सारे के सारे कैपेसिटर में कितना रहेगा, सेम रहेगा चार्ज। तो यहाँ से हम पहले क्या निकालेंगे, इसका हमको वोल्टेज दिया हुआ है तो क्यू इक्वल टू हमको पता है कितना है, सी वी होता है, सी है, सी हमको निकालना, सी इक्विवेलेंट इनटू वोल्टेज दिया हो तो सी इक्विवेलेंट एक पैरेलल में है तो सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, सी इक्विवेलेंट 1 बाय सी इक्विवेलेंट क्या होगा, 1 बाय 1 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 4, तो सी इक्विवेलेंट कितना निकल के आ जाएगा, 4 बाय 4 बाय कितना आ जाएगा, 7, 4 बाय 7 क्या आ जाएगा, माइक्रोफेराड। तो सी है 4 बाय 7 माइक्रो का 10 टू द पावर -6 फैराड इंटू वोल्टेज कितना है, वोल्टेज कितना है 230। जब इसका सॉल्यूशन कीजिएगा तो 131 point something आएगा, तो क्या होगा इसका आंसर, सी 131 × 10⁻⁶ कूलम। 93, द इन्वर्स ऑफ कैपेसिटेंस इज कॉल्ड एज, इन्वर्स ऑफ कैपेसिटेंस मतलब कैपेसिटेंस का उल्टा क्या होगा, अगर कैपेसिटेंस का उल्टा क्या होगा तो कैपेसिटेंस का उल्टा इलास्टेंस होता है, इलास्टेंस। व्हेन द डायलेक्ट्रिक इज होमोजीनियस द पोटेंशियल ग्रेडियंट इज, जब डायलेक्ट्रिक होमोजीनियस इन नेचर होगा तो क्या होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। 95, द पोटेंशियल ग्रेडियंट अक्रॉस द मटेरियल ऑफ लो परमिटिविटी इज डैश देन अक्रॉस द मटेरियल ऑफ हाई परमिटिविटी, तो 95 का जो आंसर हो जाएगा बी, ग्रेटर, क्या होगा, ग्रेटर। 96, डैश फील्ड इज एसोसिएटेड विद द कैपेसिटर, कैपेसिटर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और इंडक्टर जो होता है मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होगा इसका ऑप्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड। 97, ए कैपेसिटर हैविंग ए कैपेसिटेंस ऑफ 5 माइक्रोफेराड इज चार्ज टू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10,000 वोल्ट, द एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर, तो एनर्जी स्टोर क्या हो जाएगा, एनर्जी इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है। आपका देखिए सी दिया हुआ है यहाँ पे 5 माइक्रोफेराड, तो 5 माइक्रोफेराड को फेराड बदल दीजिए, 5 × 10⁻⁶ क्या होगा, 1/2 × 5 × 10⁻⁶ इंटू वी स्क्वायर, तो 10,000 का स्क्वायर तो एक कितना हो जाएगा, 10⁸। इसका अगर सॉल्यूशन कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन करने के बाद, सॉल्यूशन करने के बाद जो आंसर आएगा 250 जूल्स, इतना एनर्जी स्टोर करेगा, 250 जूल्स। 98, ए सिंगल कोर केबल यूज्ड ऑन 33 kV हैज ए कंडक्टर डायमीटर 10 mm एंड द इंटरनल डायमीटर ऑफ सी थी 25 mm, द मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस इन द केबल इज, तो कितना स्ट्रेस होगा केबल पे, देखिए वोल्टेज दिया हुआ है, ठीक है, और कंडक्टर का डायमीटर दिया हुआ है एंड इंटरनल डायमीटर ऑफ द सीट ये भी दिया, तो 98 का कितना हो जाएगा, कितना होगा यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस, मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बाय डिस्टेंस डी या डायमीटर जो भी हो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे वी बाय डी, तो कितना होगा 72 × 10⁵, इसको आप आराम से निकाल सकते हैं, 98 का क्या होगा आंसर बी, 98 का भी। 99 का है, द मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी दिया हुआ है, द फील्ड स्ट्रेंथ निकालना है, फील्ड स्ट्रेंथ मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ई इक्वल टू क्या होता है 2 बाई, तो ये जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 99 का, ए हो जाएगा आंसर, मीटर पर कूलम। 100, एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज वन विच हैज ऑल पॉइंट एट सेम पोटेंशियल, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेम पोटेंशियल। इक्विपोटेंशियल क्वेश्चन देखने से लगे, इक्विपोटेंशियल मतलब जो पोटेंशियल होगा सरफेस पे वो सेम पोटेंशियल होगा। तो आज दोस्तों आज 100 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन किया हूँ, और इससे आगे जो भी वीडियो डालूंगा उसमें सारे के सारे क्वेश्चन का कंप्लीट कर दूंगा इस टॉपिक से। तो थैंक फॉर वॉचिंग माई YouTube चैनल, इफ़ यू लाइक माई YouTube चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब इट, थैंक्स।